टू ऑल ऑफ यू बच्चों, स्वागत है आप लोग खान अकेडमी। गोइंग टू हैव डिस्कशन फॉर चलिए बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऋतुराज, एक्सपर्टाइज इन टीचिंग गेट SSC एंड DSC सब्जेक्ट, क्वालिफाइड गेट मोर देन 4 टाइम्स विद बेस्ट रैंक AIR 947। सब्जेक्ट्स विच आई टीच आर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम्स एंड नेटवर्क एनालिसिस। प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन दैट एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बोथ। हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग, सॉरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए बिफोर स्टार्टिंग एज यूजुअल बच्चों, लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन फॉर अन अकेडमी प्लस। बच्चों जैसा कि आप लोग ये लेक्चर यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे देख पा रहे हैं लिंक के वजह से बच्चों, उसी तरह अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे एक स्पेशल डिवीज़न है अन अकेडमी प्लस। बच्चों प्लस पे लाइव क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं और उसके साथ साथ क्रैश कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं। कौन कंडक्ट करता है बच्चों? टॉप एजुकेटर्स, ठीक है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो बच्चों, ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आपके फील्ड से रिलेटेड, आपके ब्रांच से रिलेटेड जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, जो भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है, डेफिनेटली इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो अन अकेडमी पे लाइव क्लासेस और क्रैश कोर्सेज कंडक्ट करा रहे होंगे प्लस प्लेटफॉर्म पे। अब बच्चों इन क्लासेस का एक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप अन अकेडमी ई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगा कि सर जब कंटेंट फ्री में अवेलेबल है देन वाई वी शुड टेक द सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल आपका कहना सही, बट जस्ट वेट एंड वॉच बच्चों, आपको लाइव क्लासेस और क्रैश कोर्सेज के साथ साथ आपको वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। वीकली टेस्ट जो भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं ऐप पे, ठीक है, प्लस पे लाइव क्लासेस और क्रैश कोर्सेज में, वही एजुकेटर्स बच्चों डेफिनेटली आपके लिए वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे ऑन गोइंग टॉपिक से रिलेटेड या जो आपके सिलेबस का पार्ट है उससे रिलेटेड, ताकि आप लोग इसको एक सिस्टमैटिक वे में दे पाएं। उसके बाद बच्चों जो फोर्थ फीचर है डाउट सॉल्विंग सेशन, याद रखिए अन अकेडमी ऐप पे प्लस पे कोई भी क्लास हो, चाहे वो लाइव क्लासेस हो चाहे क्रैश कोर्स हो, याद रखिए हर फोर्थ लेक्चर बाय डिफॉल्ट डाउट सॉल्विंग सेशन होता है अन अकेडमी प्लस पे, ठीक है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, कोई भी लेक्चर अगर प्लस पे पढ़ाया जा रहा है तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट फोर्थ लेक्चर डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी में तो कोर्सेज अवेलेबल है ही, इसके साथ साथ आपको प्लस पे रीजनल लैंग्वेजेस में भी कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों रिजल्ट एंड एनालिसिस, जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपका क्विज का रिजल्ट है, टेस्ट के मार्क्स है, या जो भी आपका बाकी प्लस के बच्चों से जो कंपैरिजन है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, ये सारा डेटा आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये जितने भी फीचर्स हैं ये आप पे तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, क्यों लेना है, क्या पे करना होगा, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच बच्चों। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसको लॉग इन करना है अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से, फिर आपको वेरीफाई भी करना है OTP से। उसके बाद बच्चों सबसे पहला काम आप गोल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिस भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको प्लस के एजुकेटर से पढ़ने की जरूरत है बच्चों, ठीक है, वो गोल आप अपना सेलेक्ट करें। डेफिनेटली इस पेज में आपको सारा एग्जाम का लिस्ट मिल जाएगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने SSC एग्जाम्स चूज किया, ठीक है। इसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है एजुकेटर से वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month, ये क्या है बच्चों, ये आपके प्लस की वैलिडिटी है बच्चों, ठीक है, प्लस का
कितना दिन वैलिडिटी रहेगा आपके ऐप पे, कितने दिन एक्टिव रहेगा प्लस का अकाउंट, ये उसका वैलिडिटी है। अगर आप 1 मंथ के लिए परचेज करते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन, मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 1 मंथ के लिए परचेज करते हैं तो बिल्कुल 1 मंथ के लिए ही आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि 1 मंथ मतलब 30 डेज इंटू 24 आवर्स, 30 डेज इंटू, इतना टाइम है आपके पास। और इतने टाइम में से एसएससी प्लेटफॉर्म पे जितने भी टेक्निकल एजुकेटर्स हैं और जितने भी नॉन टेक हैं, सारे किसी का भी बच्चों आप कोर्स एक्सेस करते कर सकते हैं प्लस पे। इनका जो भी कंटेंट है ऐप पे, जो भी इन्होंने कर रखा है, चाहे थ्योरी क्लासेज हो, क्रैश कोर्सेज हो, टेस्ट हो, क्विज हो, कुछ भी हो, किसी भी एजुकेटर का आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शन है, समझ में? तो आप देख सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट से आपके पास कितने टॉप मोस्ट एजुकेटर्स का कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा आपको। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने 1 ईयर का कोर्स परचेज कर लिया, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर रेफरल कोड में आप मेरा कोड जरूर एंटर करेंगे RRS10, ठीक है? इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल चुका है। ये जो ब्लैक कलर से जो लिखा है बच्चों, ये डेफिनेटली 10% डिस्काउंट करने बाद का ही प्राइस है। आप देख सकते हैं 24 महीने के लिए 7020 रुपये सिर्फ आपको पे करना है बच्चों। 7020 में आप 2 ईयर्स के लिए इसकी वैलिडिटी इंजॉय कर सकते हैं और 2 साल तक डेफिनेटली इनके वीडियोस को आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपको पढ़ना हो, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, एसएससी प्लेटफॉर्म पे जितने भी एजुकेटर्स हैं, मैं एक दो एजुकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका आपको पसंद है, जिससे आपको ठीक लगे, आप डेफिनेटली उनसे पढ़ सकते हैं, क्लियर है? उसके बाद बच्चों, सपोज आपने प्रोसीड टू पेमेंट किया, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी के भी इंफॉर्मेशन से बहुत आसानी से आप पे कर सकते हैं। आप इसको ईएमआई पर भी अवेल कर सकते हैं। अगर ड्यूरेशन आपने 6 महीने और 12 महीने या 24 महीने, इन तीनों में से कोई ड्यूरेशन चूज किया है सब्सक्रिप्शन का, तो डेफिनेटली आप नो कॉस्ट ईएमआई के साथ इसको अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना होगा, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं आप इसको नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं बच्चों। एक बार आपने सक्सेसफुली पे कर लिया बच्चों, तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको एक कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा, ठीक है, कि आपने सक्सेसफुली अवेल कर लिया है। अब वापस से ऐप पे लॉगिन करके अपने एजुकेटर को फॉलो करिए, ठीक है? अपने एजुकेटर को फॉलो करिए और अनअकैडमी पे कोर्सेज स्टार्ट करिए। जो भी उनका कंटेंट है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अब डिस्क्रिप्शन में ये थर्ड लिंक है बच्चों, आप लोग मुझे इससे प्लस पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? प्लस पे मेरा यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? फिर एमसीक्यू सीरीज चलाया मैंने, वो भी आप देख सकते हैं, प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और अभी सिंक्रोनस, अभी डिटेल्ड कोर्स ऑफ मशीन, ठीक है, मशीन का कोर्स रनिंग है, ठीक है? 9 से स्टार्ट होगा, लग चुका है शेड्यूल, 9 मार्च से मशीन स्टार्ट होगा। बाकी सिंक्रोनस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मर, डीसी, इंडक्शन सब पढ़ाऊंगा मैं, तो ये मेरे प्लस का है। आप लोग अगर इस लिंक से मुझे फॉलो कर सकते हैं तो मुझे, और ऐप पे जो भी स्पेशल क्लास होगा, फ्री स्पेशल क्लास, ठीक है, जो सिर्फ जिसके लिए आपको सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है, वो भी आप एक्सेस कर पाएंगे इस लिंक के हेल्प से। इस लिंक से आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जो भी मेरा शेड्यूल होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? प्रवीण, वेलकम प्रवीण, ठीक है? एक और स्पेशल अनाउंसमेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं, देखिए टॉप एजुकेटर्स, एक सेकंड, वेट अ सेकंड बच्चों, चलिए देख सकते हैं बच्चों आप लोग, ये टॉप एजुकेटर्स हैं जो एसएससी प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है? इनका कोर्सेज 3 मार्च ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? 3 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी प्रिपरेशन, ठीक है? हमारे पास 30+ बैचेस अभी चल रहे हैं, कंटिन्यूस रनिंग 300+ क्लासेस एवरी डे, और 70 टॉप एजुकेटर्स अभी कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, ठीक है? 40,000+ आवर का रिकॉर्डेड कंटेंट है हमारे पास, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। तो ये सब फैसिलिटी है जो आपको अभी एकेडमी ऐप पे मिलेगा, एसएससी प्लेटफॉर्म पे। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स का लिस्ट है, डेफिनेटली आप लोग नॉन टेक्निकल के लिए इनको जानते होंगे, ठीक है?
आप देख सकते हैं सीईटी का भी बैच है जो 3 मार्च ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो डेफिनेटली आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल का भी बैच है जो कि 3 मार्च से कंटिन्यू है। जो भी बच्चे घर पे बैठकर तैयारी करना चाहते हैं टॉप एजुकेटर से बिना कहीं गए हुए, वो डेफिनेटली इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में जो आपको मिलेगा उसका लिस्ट नीचे दिया हुआ है बच्चों, आप लोग एक बार उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बिना किसी देरी किए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप लोग? कल जहां से हम लोग फिनिश किए थे उसी के बाद से स्टार्ट करेंगे बच्चों। बताइए मुझे, तैयार हैं आप लोग? यस, प्लान फॉर यूपीपीसीएल जेई आज 7:30 में। देखो कल मैंने बताया था कि क्या करना है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन आज जो मैं 7 PM पे बताऊंगा बच्चों, आज 7 बजे यूट्यूब पे क्लास लेंगे, उसमें हम लोग डायरेक्ट क्या करना है यूपीपीसीएल जेई वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यूपीपीसीएल और एसएससी के लिए, ठीक है, हर दिन का मैं प्लान सेट करूंगा और आप लोग मेरे साथ काम करेंगे। मैं हर दिन का टारगेट दूंगा, कल मैंने ये नया चीज सोचा है शिवानी। अगर क्योंकि फिर खेमेन सर की क्लास रहती है 8 बजे से, अब मैं आधे घंटे पढ़ाऊंगा क्या, बताओ तुम, दिक्कत है वहां पे। ठीक है चिंटू, अभी आरएसीबी का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा प्लस पे, ठीक है, तुम फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे भी उसके लिए अलग से आएगा। मैं बता रहा हूँ यूपीपीसीएल जेई, यूपीपीसीएल जेई और एसएससी जेई के लिए जितने भी बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आज 7 बजे का जो यूट्यूब का क्लास है उसको मत छोड़ना। ठीक है, आज हम लोग, कल तो हम लोगों ने देखा था मोटिवेशन टाइप का क्लास था, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है इस एग्जाम के लिए हमारे लास्ट 30 डेज में, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, हम टारगेट सेट करेंगे हर दिन का, एक चार्ट भी मैं दूंगा तुम लोग को, और उसी अकॉर्डिंग सारे बच्चे काम करेंगे और सारा शेड्यूल सेट करेंगे ताकि सिलेबस का 90% पार्ट हम लोग कवर कर पाए बच्चों। ठीक है, 90%, चाहे उसके लिए मैराथन की जरूरत पड़े, चाहे जिसकी भी जरूरत पड़े मैं लूंगा। ठीक है, 7:30, ये 7 PM पे है क्लास। ठीक है, 7 PM पे क्लास है, कोई बात छोड़ना, मैं पहले बता दे रहा हूँ यूपीपीसीएल और एसएससी जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम के लिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 मंथ का टाइम है, इस 1 मंथ में हम लोग को कम से कम 90% सिलेबस को अप टू द मार्क करना है। क्लियर है ये बात? चंदन विश्वकर्मा, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, सॉरी। ठीक है चलिए तो शुरू किया जाए बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, चलिए जवाब दीजिए। अब जितने ही बच्चे लाइव हैं, अटेंडेंस सबकी लग जानी चाहिए, लाइक करिए सेशन को और शेयर करिए। कोई एक डाउट पूछ रहा था संट और सीरीज का, कैपेसिटर का, लिख दो चैट सेक्शन में फिर से और बाकी बच्चे इसका जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर लिखोगे सीधे, चलिए जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए, नेम मैंने बोला है, आंसर कोई नहीं लिखेगा। सुजीत हेलो, आंसर कोई नहीं लिखेगा? नहीं, 3 बजे वाली क्लास अभी हो रही है बच्चा। सुजीत रूटीन मैं बताता रहूंगा, बिल्कुल चिंता ना करो। जितने ही बच्चे हैं ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में जवाब दो सीधे, ऑप्शन नंबर बताओगे सारे बच्चे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हैं लैंग्वेज का खेल है, बस लैंग्वेज से भी आप पकड़ सकते हो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। संट कैपेसिटर और सीरीज कैपेसिटर, संट रिएक्ट वर्किंग, मोनू ये बात मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, फिर भी तुम चाह रहे हो तो रुक जाओ, इस क्वेश्चन के बाद मैं शॉर्ट में 2 मिनट में तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा। बिल्कुल निराश नहीं किया जाएगा यहाँ पर किसी को, पावर सिस्टम और मशीन का तो बिल्कुल डेफिनेटली डाउट जानने का हक बनता है मेरे बच्चों का। ठीक है चलिए, मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों इसका, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिस तरह हम लोग घर में भी देखते हैं बच्चों, घर में हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं ना, इन्वर्टर और प्लस बैटरी, इन्वर्टर प्लस बैटरी, इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, यही है यूपीएस बच्चों, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जाहिर सी बात है आपके घर में जब पावर कट होता है, मेन लाइन से अगर पावर चला जाता है, तो डेफिनेटली बैकअप के लिए यूपीएस से पावर मिलता है। उसी उसी पर्टिकुलर चीज का बात कर रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर क्रिटिकल लोड लाइक हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स वेयर अ टेम्पोरी पावर फेलियर दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। ठीक है तो कौन सा यूज करेंगे बच्चों? यस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो बिल्कुल सही है यूपीएस। ठीक है,
एसएमपीएस कहाँ यूज करते हैं ये आप लोगों को भी पता है, पावर सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, सारे हमारे डिवाइसेस में एसएमपीएस लगा रहता है ताकि हमें क्या मिले, वेरिएबल डीसी सप्लाई मिले, या जो भी हम सप्लाई चाहे वो हमें मिल जाए, डीसी से रिलेटेड कॉन्स्टेंट चाहिए तो कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, वेरिएबल चाहेंगे तो वेरिएबल, मतलब वॉट वी वॉन्ट वी विल गेट विथ एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? स्विच पावर सप्लाई। बिल्कुल शुरू हो गया नैम, स्पेशल क्लास भी 8 बजे हुआ है, जो बच्चे नहीं देखे हैं ऐप पे जाकर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉल्ट के डिस्कशन में किए हम लोग, फॉल्ट का बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत ही हेल्दी डिस्कशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस फॉलो करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, थर्ड लिंक, और मेरे को सर्च कर लेना, फॉलो कर लेना, डेफिनेटली तुमको मेरा सारा फ्री स्पेशल क्लास मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब उस लड़के का डाउट एक बार क्लियर कर देते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर। देखो बच्चा, सीरीज रिएक्टर को यूज करते हैं है फॉल्ट करंट या एमवीए को लिमिट करने के लिए, ठीक है, और तुम्हारा जो शंट रिएक्टर है ये काम में आता है टू रिड्यूस फेरांटी इफेक्ट। ठीक है, और तुम्हारा सीरीज कैपेसिटर है वो पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को बढ़ाता है या लिमिट को बढ़ाता है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को बढ़ाता है। और जो शंट कैपेसिटर है वो तुम्हारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। क्या करता है? पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। कोई डाउट इसमें? अनामिका कुमारी, कोई कोई भी डाउट है बच्चा तो पूछ लो, मैं इरेज करने वाला हूँ। सीरीज रिएक्टर, शंट रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर, आई होप अब सबको सबका एक बार रिवाइज हो गया होगा और इम्प्रूव भी हो गया होगा। ठीक है, ये कैपेसिटर है, सीरीज कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर, क्लियर है ये बात? जवाब दीजिए मुझे जितने बच्चे लाइव हैं, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, हाईली इंपॉर्टेंट। अगर इस पे कहीं पे 10 स्टार लगाने हैं तो 10 स्टार्स बना लो इस पे, डेफिनेटली तुम्हारे एसएससी जेई हो गया, नहीं तो यूपीपीसीएल जेई, चारों में से 2 क्वेश्चन डन है, एकदम 2 क्वेश्चंस आर डन, आई गारंटी। ठीक है, डेफिनेटली पावर सिस्टम से इसके बिना क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे, क्लियर है ये बात? एक बार जवाब दे देना जो बच्चा पूछ रहा था, ये समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है अनामिका, चलिए यस आगे समझ में बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए इसका, देखिए ये सारे के सारे 2019 के पेपर में पूछे हुए हैं बच्चों। चलिए रितेश का कहना है डी, 7 बजे आज हम लोग प्रीवियस ईयर की क्लास तो करेंगे और उस आज स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे। ठीक है, क्या करना है 30 दिन में, मैं टास्क दूंगा, वो टास्क सब कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड क्लास होगा, उससे रिलेटेड रिवीजन होगा, यही आज से आगे के 30 डेज तक हम लोग को वो करना है। ठीक है, आने वाले 30 दिन में यही करना है बच्चों, क्लियर है? बिल्कुल सही, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन ही यूज टू मेजर द रेटिंग ऑफ ए एयर कंडीशन, जाहिर सी बात है बच्चा बच्चा जान रहा है, टन टन में हम लोग मेजर करते हैं, 1 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है। ठीक है, टन एक तरह से बच्चों वॉल्यूम को बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कि कितना मतलब क्या आपके रूम का साइज है तो कितने टन का आप एसी लगाओगे, क्या उसका एफिशिएंसी होगा, क्या वो उतना एफिशिएंट होगा या नहीं होगा, जितना बड़ा रूम होगा उतना ज्यादा टन का आपको एसी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उतना ज्यादा पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, और ज्यादा टन का एसी ज्यादा एयर को ब्लो करेगा, अगर देखा जाए तो वो पूरे रूम को जल्दी ठंडा कर देगा, ये सब अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, थोड़ा स्पीड आज बढ़ा के रखेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस करें हम लोग। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या
क्या बात है सुजीत, बिल्कुल लेंगे। चलिए जवाब दीजिए इसका, जितने भी बच्चे हैं लाइक करिए शेयर करिए, आप लोग अटेंडेंस सबका लग जाना चाहिए जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल विकास का कहना है बी, चलिए काफी बच्चों का बी कहना है। बिल्कुल सही जवाब। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों 5 सेकंड के लिए, जैसा कि करते हैं। डीसी मोटर की बात हो रही है, ठीक है, रनिंग विद सर्टेन लोड, तो वो भी ठीक है। इफेक्ट ऑफ एडिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द शंट फील्ड वाइंडिंग, बस इसी को पकड़ लेंगे। शंट में ऐड करना है, तो मैं आप लोग को चीख चीख कर बताया हूँ कि दो ही जगह ऐड कर सकते हैं, या तो आर्मेचर सर्किट में या तो फील्ड वाइंडिंग में। डीसी मशीन के साथ यही काम किया जा सकता है, तो यहाँ फील्ड वाइंडिंग में बोल रहा है। तो फील्ड वाइंडिंग में जब भी हम लोग ऐड करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो स्पीड बेस स्पीड से ज्यादा होता है, ठीक है। और आर्मेचर वाले सर्किट में अगर ऐड करेंगे तो बेस स्पीड से स्पीड कम होगा। तो ये बातें तो बार बार किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, टू रिड्यूस द मोटर स्पीड, नहीं, टू इंक्रीज द, वेरी गुड, टू स्टॉप द मोटर, टू, नहीं, बिल्कुल सही है। तो बी इज द राइट आंसर बच्चों, याद रखिएगा इसका। कॉन्स्टेंट पावर कॉन्स्टेंट टॉर्क वाला भी रिलेशन हम लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए जितने भी बच्चे लाइव हैं। काफी बच्चों का डी आ रहा है। शिवा राजपूत का कहना है इंटरनेट धोखा दे रहा, क्यों, क्या हो गया बच्चा, मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करो, डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही है डी, डी डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा है आप लोगों ने। क्वेश्चन पढ़ेंगे, द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट एनर्जी, लॉस्ट एनर्जी कौन सा एनर्जी के बात कर रहा है बच्चों। ट्रांसमिशन में जो पावर लॉस होता है उसके लिए मेनली मेनली कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। ट्रांसमिशन में जो हमारे वॉट्स लॉस हो रहे हैं, जो एक्टिव पावर लॉस हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है, एनीवन एनीवन बताइए मुझे। मंगल मिशन, बच्चा बताओ कौन से कंपोनेंट के चलते, कौन से कंपोनेंट के चलते मेरा लॉस हो रहा है एनर्जी, एनर्जी जो लूज कर रहे हैं, और उसी का कॉस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। सारे बच्चे जवाब देंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल अजीत, बिल्कुल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में जो लॉस होता है, रेजिस्टेंस कहीं भी लॉस होगा तो ये एक्टिव पावर को ही खाएगा। इसका काम है एक्टिव पावर को डिसिपेट करना, और दूसरा इसका कोई काम नहीं है, फ्रीक्वेंसी वगैरह से इसका कोई लेना देना नहीं। ये जब भी लूज करवाएगा सिस्टम से तो एक्टिव पावर करेगा, और वो आई स्क्वेयर आर फॉर्म में करेगा, करेगा या नहीं करेगा, मतलब जो पावर जो होगा, पावर जो होगा वो आई स्क्वायर आर के प्रोपोर्शनल होगा। तो आर तो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब जो एक्टिव पावर इसके चलते जो लूज हो रहा है वो आई स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है या नहीं है, जो एक्टिव पावर है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या नहीं है, बताइए मुझे। यस, दैट्स व्हाई वी ट्रांसमिट एट हाई वोल्टेज। देखो अब आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आई, अगर तुम पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई लिखते हो, पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई लिखते हो, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी अपॉन वी वी कॉस फाई लिखोगे या नहीं लिखोगे, बताओ मुझे, लिखोगे या नहीं लिखोगे, बताओ मुझे। पी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पी वी कॉस फाइव, इस तरह लिखो। पी हमारा कांस्टेंट है, ये हमको पहले से पता है, फिर भी इसको हमने लिखा है। अब इसके चलते आई स्क्वायर निकालने का कोशिश करोगे तो ये क्या आएगा, बताइए आप लोग। पी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस फाइव का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बताइए। तो ये आई स्क्वायर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया बच्चों, वन अपॉन पी स्क्वायर,
आया या नहीं आया बताइए मुझे। तो ये अगर दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेफिनेटली तुमको मिल जाएगा कि जो तुम्हारा पावर लॉस है, जो तुम्हारा पावर लॉस है, जो तुम्हारा पावर मतलब पावर लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस, ठीक है, पावर लॉस जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर तुमने वोल्टेज को बढ़ाया, ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली पावर लॉस कम होगा, डेफिनेटली पावर लॉस कम होगा। इस बात का कहने का मतलब क्या है, देखो इसको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग ट्रांसमिशन वोल्टेज जब देखो 132 kV पे करते हैं, नहीं तो 220 kV पे करते हैं, 400 kV पे करते हैं, नहीं तो 765 kV पे करते हैं, यही हमारे वोल्टेजेस हैं, ठीक है। 66 kV पे बहुत कम होता है, यही हमारा वोल्टेज लेवल है, ठीक है। ये क्यों डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज हम लोग इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि जो हमारा पी लॉस है ना, पी लॉस है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, वोल्टेज डे बाई डे हम लोग इसीलिए बढ़ा रहे हैं, इसीलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ए क्योंकि जो हमारा लॉस हो, जो हमारा लॉस हो वो मिनिमम हो, क्योंकि रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है करंट आई स्क्वायर आर, इसको तो तुम रोक नहीं सकते हो, क्यों ना इसको मिनिमाइज किया जाए ताकि मैक्सिमम एक्टिव पावर हमारे लोड तक पहुंचे। आ रहा है ना समझ में? तो इससे क्या क्या डिक्रीज होगा, इससे करंट कम होगा। सेम पावर को कैरी करने के लिए अगर तुम 400 मेगावाट को, 400 मेगावाट को ट्रांसफर कर रहे हो 1000 किलोमीटर के लिए, 1000 किलोमीटर इसको ट्रांसफर कर रहे हो, तो डेफिनेटली जैसे जैसे तुम वोल्टेज, मान लो तुम इसको 400 kV पे ट्रांसफर करोगे या तो 765 kV करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो डेफिनेटली बता रहे हैं कि इसमें करंट इसके कंपैरेटिव में कम होगा। मतलब कहने का मतलब 400 kV से अगर ट्रांसफर करोगे वोल्टेज से तो करंट ज्यादा है, 765 से करोगे तो करंट कम होगा। तो ये क्या बचा रहा है, ये वोल्टेज लेवल बढ़ाने से जो करंट सेम पावर को ट्रांसफर कर रहा है, दोनों के दोनों 400 मेगावाट ट्रांसफर कर रहे हैं 1000 किलोमीटर, पावर और किलोमीटर्स दोनों केस में सेम है, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने से करंट का लेवल, जो ऑपरेटिंग करंट है उनका लेवल कम हो जाएगा। तो अगर करंट का लेवल तुम कम कर रहे हो तो डेफिनेटली आई स्क्वायर आर से तो तुम पहले ही बच जा रहे हो, आई स्क्वायर आर तो वैसे ही बचेगा, मतलब पावर लॉस इन रेजिस्टेंस बचेगा। अब अगर आई कम है तो एरिया जो वायर तुम यूज करने वाले हो उसका क्रॉस सेक्शन, उसका जो वायर का क्रॉस सेक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा। कम होगा या नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम बचेगा, कॉस्ट बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा बताइए मुझे बच्चों, जितने ही बच्चे लाइव हैं बिल्कुल रिलेट करते चलेंगे, और जितने भी बच्चे लाइव हैं लाइक कर दो सेशन को और शेयर करो, ठीक है। कॉस्ट वही तो बोल रहे, जब एरिया कम होगा कॉस्ट भी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो रिक्वायर्ड है वो भी कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है ओवरऑल सारा बचत है मेरा, आई स्क्वायर आर भी कम हो गया, मेनली तो हमारा यही ना लॉसेस, लॉसेस जब वो हो गए तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बच्चों बताइए, ये सब फीचर्स डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कि डे बाय डे हम क्यों मेहनत कर रहे हैं कि हायर वोल्टेजेस पे काम करें, ये फायदा है बच्चों। आ रहे समझ में? क्लियर है ये बात? करंट के टर्म्स में नहीं बात किया जाता है, सिंगल बॉय बात को समझो, करंट के टर्म्स में नहीं बात किया जाता है, वोल्टेज के टर्म्स में ही बात किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ही हमारा ऑपरेटिंग फैक्टर है, करंट तुम्हारे हाथ में नहीं है, वोल्टेज लेवल तुम बढ़ाते हो, वोल्टेज लेवल तुम बढ़ाते हो घटाते हो वो तुम्हारे हाथ में, करंट तुम्हारे हाथ में नहीं है। नैम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तुमको खेमन सर की वीडियो देखनी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, जवाब दीजिए। इसी तरह मैं पूरा पावर सिस्टम और मशीन आप लोग का रिवाइज करवा दूंगा क्वेश्चन कराते कराते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बने रहिए बस आप लोग लास्ट तक, कोई कहीं नहीं जाएगा छोड़कर क्लास। चलिए जवाब दीजिए जितने भी बच्चे लाइव हैं अभी तक अटेंडेंस। यस बिल्कुल लॉसेज श्याम, अगर अगर आई स्क्वेयर आर जो है वो लॉस ही कम हो गया, अगर लॉस ही कम हो गया तो डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ेगी, डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ेगी। चलिए जितने बच्चे लाइव हैं इसका जवाब मिलना ही चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, जाहिर सी बात है। कौन से ग्रुप की बात कर रही है, इसी की बात कर रहा है ना बच्चों, ये कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन और ये लेड, इसी की बात कर रहा है ना ये, डेफिनेटली ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर हैं। जनरली हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, सिलिकन यूज करते हैं, जर्मेनियम करते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, ये कौन सा है, इसके सब में टोटल
लास्ट वाले में कितने होंगे, ये सब के सब सिक्स वाले में है, तो दो और चार इसी तरह पुट करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, चार। बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे, ठीक है। और इसके जस्ट पहले वाला फॉस्फोरस, सॉरी फॉस्फोरस नहीं, बोरोन वाला, ठीक है। ठीक है, तो इसमें चार, इसमें तो चार होते हैं, इसमें तीन होंगे, इसमें पांच होंगे, सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने तीनों ग्रुप का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल इसका जवाब सही है, बहुत ही इंडक्शन मोटर का बच्चों फेवरेट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में तुमको दिख जाएगा लगभग अलग अलग दाम से। चलिए जवाब दीजिए जितने ही बच्चे लाइव हैं। सारे बच्चे एक साथ बका, सारे बच्चे एक साथ बताएंगे, बिल्कुल सही, मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब आ रहा है। फेनोमेना ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बता रहा बच्चों, मैग्नेटिक लॉकिंग बोलना चाह रहा, मैग्नेटिक इन एन इंडक्शन मोटर, पहले ही बोल दिया इंडक्शन मोटर, फेनोमेना ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर टीथ, ये कब पॉसिबल है, मैग्नेटिक मतलब स्टेटर का टीथ और रोटर का टीथ इनके बीच में, इनके बीच में लॉकिंग क्रिएट हो जाए, मतलब अलाइनमेंट टॉर्क जो है वो डोमिनेट कर जाए और ये एक साथ अलाइन हो जाए और रोटर को घूमने ना मिले, इसका एनआर जीरो हो जाए, ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों के टीथ क्या हो, या तो बराबर हो जाए, या तो बराबर हो जाए, या तो कोई इंटीग्रल वैल्यू हो जाए, जब ऐसा अगर होगा, अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली तुम्हारा कौन सा फेनोमेना होगा बच्चों, कॉगिंग, क्या बोलते हैं उसको, कॉगिंग। देखो इसमें इसमें जितने भी हैं सारे फीचर्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे बच्चों, आ रहा समझ में, देखिए ध्यान से सुनिए मेरे बात को, हंटिंग किस में होता है, हंटिंग होता है बच्चों आपके सिंक्रोनस मशीन में, ये आप लोग को बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, हंटिंग मतलब रोटर का एक्सिलरेट करना और डी एक्सिलरेट करना लोड के वेरिएशन के चलते, या इनपुट के चलते वेरिएशन, या आउटपुट के चलते वेरिएशन, एक्साइटेशन, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो सिंक्रोनस मोटर हो गया। स्क्यूइंग किससे रिलेटेड है, स्क्यूइंग हम लोग करते हैं किसको, जो हमारा रोटर होता है सिलेंड्रिकल केज टाइप का, मतलब वो जो इंडक्शन मोटर का दो टाइप का रोटर होता है ना बच्चों, एक केज रोटर और एक वाउंड रोटर, तो केज रोटर की बात हो रही है, केज रोटर में जो हम लोग बार्स लगाते हैं उसका जो अलाइनमेंट करते हैं हम लोग बच्चों, वो स्टेटर के एक्सिस से थोड़ा इंक्लाइन रहता है, इसी को कहते हैं स्क्यूइंग करना, ये भी हम लोग लॉकिंग से बचाने के लिए ही करते हैं बच्चों, अगर हमने इसको सीधा सीधा इस पे जो बार्स लगाए हैं, अगर इसका इंक्लिनेशन हम लोग स्टेटर के पैरेलल रख दिया तो डेफिनेटली अलाइनमेंट टॉर्क डोमिनेट कर जाएगा और यहां पर भी लॉकिंग होगी, इसीलिए हम लोग उसको किसी एंगल पे वो करते हैं, मतलब स्टेटर का जो भी एक्सिस है उसके एक्सिस से इसको इंक्लाइन करते हैं ताकि, और इस फीचर को बोलते हैं स्क्यूइंग, हमने क्या किया रोटर बार के साथ क्या किया है, स्क्यूइंग किया है ताकि क्या हमारा दूर हो सके, ताकि हमारा लॉकिंग वाला फेनोमेना है वो हट सके, क्लियर है ये बात, रोटर के साथ किसके रोटर के साथ करते हैं बच्चों, इंडक्शन मोटर के, इंडक्शन मशीन के रोटर्स के साथ, क्लियर है बात। उसके बाद कॉगिंग, कॉगिंग इसी फेनोमेन मैग्नेटिक लॉकिंग फेनोमेना को ही कॉगिंग बोलते हैं। ट्रॉलिंग, ट्रॉलिंग कोई बता सकता है क्या, एनीवन, ट्रॉलिंग एनीवन, जल्दी बताइए मुझे, एनीवन क्रॉलिंग कौन सा हार्मोनिक डोमिनेंट होता है उसके वजह से ये काम करता है बच्चों, फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक्स के चलते, मैं बता रहा हूं रिड्यूस्ड स्पीड पे चलता है, क्या कहता, क्रॉल करता, नहीं कहते रेंगना, मेरा रोटर एकदम रिड्यूस्ड इस पे, मतलब इसका स्पीड 1/5 हो जाता है या 1/7 हो जाता है, ठीक है, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड स्पीड पे चलना, इसी को कहते हैं क्रॉलिंग, ठीक है, यस हार्मोनिक्स के कारण, ठीक है, NS/7 या NS/5, क्लियर है ये बात, जवाब दीजिए मुझे, क्लियर है ये बात, ठीक है, इसी को कहते हैं क्रॉलिंग। तो क्रॉलिंग और कॉगिंग और स्क्यूइंग, ये तीनों पॉइंट्स बच्चों,
ये तीनों पॉइंट्स इंडक्शन मशीन से रिलेटेड है, और हंटिंग किससे रिलेटेड है बच्चों? सिंक्रोनस मशीन से। हंटिंग को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? एनीवन जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। हंटिंग, सिर्फ हंटिंग है जो सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? सारे बच्चे एक साथ बताएंगे। हंटिंग को, हंटिंग क्या होता है ये हमने बता दिया, रोटर का एक्सिलरेट करना या डी एक्सिलरेट करना, ठीक है? दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो एक्सिलरेट करना या तो डी एक्सिलरेट करना। इसको रिमूव कैसे करते हैं, मतलब रिड्यूस कैसे करते हैं? एनीवन? वेरी गुड रितेश। क्या लगाते हैं हम लोग? डैम्पर वाइंडिंग्स। लेकिन कौन से रोटर में लगता है डैम्पर वाइंडिंग? जितने भी बच्चे हैं एकदम सिंक्रोनाइज होकर चलो बच्चों, सारे पॉइंट में रिवाइज करवाता जाऊंगा। अटेंडेंस सबकी लगनी चाहिए। लाइक्स का टारगेट है 150 बच्चों, 150 लाइक्स का टारगेट है, पूरा करना है हम लोगों को आज। यस वेरी गुड। डैम्पर वाइंडिंग कौन से रोटर में? सैलियंट पोल में ही लगेगा, सैलियंट पोल में ही लगेगा, बाकी कोई दूसरे पोल में नहीं लगेगा, ठीक है? और फ्लाई व्हील्स कहाँ लगाते हैं हम लोग बच्चों? फ्लाई व्हील्स कहाँ लगाते हैं? सिलेंड्रिकल रोटर में। कहाँ लगाते हैं? सिलेंड्रिकल रोटर में। आई होप आप लोग का ये पॉइंट क्लियर होगा। क्लियर है ये बात? एक बार थम्स अप करके बताइए। हंटिंग को रिड्यूस करने के यही तरीके हैं बच्चों, ठीक है? साइलेंट पोल के लिए डैम्पर वाइंडिंग, सिलेंड्रिकल पोल के लिए फ्लाइंग व्हील्स, इसी से हंटिंग को रिड्यूस करते हैं। हंटिंग क्या करता है? हंटिंग सिंक्रोनस स्पीड से जो रोटर रोटेट हो रहा था उसका एक्सेलरेट होना या डी एक्सेलरेट होना, ये दोनों फेनोमेना हंटिंग में कंसिडर होता है, ठीक है? क्लियर है ये बात? जितने बच्चे लाइव हैं जवाब दीजिए मेरे बात का, क्लियर है ये बात? चलिए सारे बच्चे थम्स अप करके बताइए मुझे। बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ चलना है बच्चों, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोनू वो हमारे हाथ में नहीं है बच्चा, ठीक है? हमारे हाथ में पढ़ाना तुम लोग को। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है? ठीक है मैम, वो भी क्लियर कर देंगे, ठीक है? बताओ पहले इसका जवाब दो। व्हेन इट इज सेड टू बी अ ड्यूटी साइकिल ऑफ अ वेल्डिंग मशीन इज 10%, ठीक है? जवाब दीजिए। ड्यूटी साइकिल, काफी ध्यान से बच्चों पढ़ना इसको। नहीं, संट में जो लगाते हैं ना, फील्ड फील्ड वाइंडिंग में लगाते हैं, वो सीरीज में लगाते हैं बच्चा, वो सीरीज में लगाते हैं हम लोग। फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में ऐड करते हैं आलोक। चलिए काफी बच्चों का जवाब आने स्टार्ट हो गया। सिंगल नीरज, राहुल, अनामिका, साइलेंट, नमन, अभिषेक, सिंगल नेम, प्रवीण, सांची, रितेश, रामनगर, प्रिया, रितेश, शुभांगी, रोशनी, आलोक, रितेश, एक ही बच्चे कितने बार जवाब दे रहे हो? चलिए बिल्कुल सही, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले। व्हेन इट इज सेड टू बी दैट द ड्यूटी साइकिल ऑफ अ वेल्डिंग मशीन इज 10%, अगर देखो ड्यूटी साइकिल 10% है, इसका इसका मतलब क्या है? ऑप्शन से पढ़ेंगे हम लोग। द मशीन ऑपरेट्स फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टू मिनट्स इन अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स, अगर 10 मिनट में ये 2 ही मिनट ऑपरेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है ये। ड्यूटी साइकिल इसका 20% हो जाएगा, तो ये नहीं है। द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द मशीन इज 10%, बिल्कुल गलत। एफिशिएंसी ये बता रहा है। द मशीन ऑपरेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट ओनली इन 10 ऑफ स्पैन। एक सेकेंड बच्चों, गिव मी अ सेकेंड। नो नो, इट्स नॉट बफरिंग बच्चो, डोंट वरी, आई एम देयर, आई कैन सी यू ऑल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी बैक। यस आई एम बैक। चलिए कैन यू ऑल सी मी बच्चो? देख पा रहे हैं आप लोग? देख पा रहे हैं क्या आप लोग? जितने बच्चे लाइव हैं देख पा रहे हैं क्या?
जवाब दीजिए मुझे। यस, चलिए तो देखिए बच्चों, जो थर्ड ऑप्शन है, जब इसको पढ़ेंगे ना तो हम लोग को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है। द मशीन ऑपरेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मिनट इन अ 10 पीरियड ऑफ स्पैन। बिल्कुल सही है बच्चों, आप इसको आप निकालोगे तो ड्यूटी साइकिल 10% ही आएगा। ठीक है, मशीन एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है इसको, एफिशिएंसी से इसको कोई लेना देना नहीं। ड्यूटी साइकिल मतलब जो भी स्पैन है, जो भी हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है, जो भी हमारा टाइम पीरियड, उसमें कितने देर वो एक्चुअली वर्क कर रहा है, ठीक है, उससे हम लोग ड्यूटी साइकिल को रिलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इनपुट और आउटपुट से रिलेट होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और ड्यूटी साइकिल में कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट बच्चों, क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों। कह सकते हैं प्रवीण, प्रवीण कह सकते हैं, जब परसेंटेज ही बोल रहे हो तो बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन वो 40% हो जाएगा बच्चों प्रवीण, वो 40% हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ ए पावर स्टेशन इज अ रेशियो। सारे बच्चे इसका सोच समझ के जवाब देंगे, मुझे जवाब चाहिए, जितने भी बच्चे लाइव हैं। काफी बच्चों का गलत जवाब है बच्चों, सोच समझ के इसका जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। असलम यू कैन मैसेज मी, आप मुझे ऐप पे मैसेज कर सकते हैं बच्चा, ऐप पे मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल कॉन्टैक्ट यू। मानवेंद्र रामनगर, इलेक्ट्रिकल विकास, रितेश, बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो डी है। ठीक है, क्या है? यूटिलाइज मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन टू द रेटेड कैपेसिटी। समझ चाहिए कि कोई एनटीपीसी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है, एक एनटीपीसी है, ठीक है, एनटीपीसी मान लीजिए हम लोग विंध्याचल का ही नाम लेते हैं, ठीक है, सिंगरौली में जो है 4796 जो भी है इसका, 4800 मेगावाट के आसपास है, ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। मान लीजिए इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब जो इसमें जो जनरेटर जो लगा हुआ है, इसमें जो जनरेटर जो है वो 1000 मेगावाट का, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1000 मेगावाट का लगा हुआ, ठीक है, 1000 मेगावाट। और मैक्सिमम जो डिमांड है, मैक्सिमम जो डिमांड है बच्चों वो 800 मेगावाट का ही है। तो आप देख सकते हैं 800 मेगावाट का डिमांड है, लेकिन कैपेसिटी हमारी कितने की है? 1000 की है। कैपेसिटी कितने की है? 1000 की है। इसका मतलब इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर लेस देन 1 होना ही चाहिए बच्चों, हमेशा याद रखना, यूटिलाइजेशन फैक्टर शुड बी लेस देन 1। अगर ये इक्वल टू 1 हो गया, अगर अगर ये यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू 1 हो गया, मतलब तुम्हारा मैक्सिमम डिमांड और रेटेड कैपेसिटी दोनों बराबर हो गए, और अगर ये दोनों बराबर हो गए बच्चों तो तुम एकदम बाउंड्री लाइन पर भी हो। थोड़ा सा भी डिमांड फ्लक्चुएट किया तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है तुमने कैपेसिटी अब तुम ओवरलोड कर रहे हो, अगर थोड़ा सा भी आगे गए तो तुम ओवरलोड कर रहे हो। तो इसीलिए हम लोग हमेशा यूटिलाइजेशन फैक्टर को लेस देन 1 पे लिख के चलते हैं, क्लियर है ये बात। असलम यू कैन मैसेज मी ऑन ऐप, ठीक है, असलम को कोई ऐप का लिंक बता दो, वहां पर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो बच्चा, ठीक है, जो भी बात है वो डिस्कस हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना उस पर मुझे फॉलो कर लो, थर्ड लिंक जो है उससे मुझे फॉलो कर लो, और एक बार जब फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली उसके बगल में मैसेज का बटन रहेगा, मैसेज कर सकते हो, क्लियर है ये बात। डिस्क्रिप्शन में लिंक है असलम, इतना पैनिक क्यों कर रहे हो बच्चा, डिस्क्रिप्शन खोलो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थर्ड लिंक को से फॉलो कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है, एसएससी को गोल सेलेक्ट कर लेना, सर्च कर लेना ऋतुराज, ठीक है, आ जाएगा, फॉलो कर लो। चलिए
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों फोर। चलिए अब फर्स्ट फर्स्ट भी बता दीजिए बच्चों, फर्स्ट क्या है? अगर फर्स्ट ऑप्शन से देखें, मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए पावर स्टेशन टू द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ये क्या है बच्चों? सारे बच्चे बताएंगे। मोनू ठीक है बता देता हूं मैं, जस्ट वेट। असलम बहुत परेशान है सर। अच्छा सर ही परेशान है प्रवीण, कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा दिखता है इसका मतलब। चलिए जवाब दीजिए प्रवीण, तुम्हें तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही, तुम हेल्प कर दो उसका बच्चा। चलिए जवाब दीजिए, यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ अ पावर स्टेशन, ये तो हो गया, इसका आंसर तो डी है। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? डिमांड फैक्टर ऑफ ए पावर स्टेशन टू द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, बताइए ये क्या है? ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम, ये क्या है बच्चों? एवरीवन एवरीवन बताइए मुझे, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, डायवर्सिटी फैक्टर का रेसिप्रोकल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट, क्या बात है, ये वन अपॉन डायवर्सिटी फैक्टर है बच्चों, वन अपॉन डायवर्सिटी फैक्टर है ये, बिल्कुल सही। चलिए सेकंड बताइए, एवरेज लोड टू द रेटेड कैपेसिटी, पी एवरेज अपॉन पी कैपेसिटी है बच्चों, क्या है ये बताइए? डिमांड फैक्टर, या कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल आप इसको डिमांड फैक्टर कह सकते हैं, वेरी गुड, दिस इज डिमांड फैक्टर, ठीक है। चलिए सेकंड ऑप्शन बताइए बच्चों, एवरेज डिमांड टू द रेटेड कैपेसिटी, वेरी गुड भानु प्रकाश, एक्सेलेंट, प्लांट प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, बिल्कुल सही कहा आपने, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, सिंगल बॉय, बिल्कुल बढ़ना ही, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो भी आएगा उसमें कंपटीशन तो मान के चलो 10 से 15% अब इंक्रीज हो ही जाएगा। देख रहे हो बच्चे सारे ऑप्शंस का भी सही जवाब दे रहे हैं, इससे क्या पता चलता है, क्लियरिटी, और बिल्कुल होना ही चाहिए, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। चलिए अब नेक्स्ट बताइए, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू दी मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन, थर्ड ऑप्शन क्या बता रहा है बच्चों? सी ऑप्शन क्या बता रहा है? सारे बच्चे बताएंगे मुझे, जितने बच्चे लाइव हैं, अटेंडेंस नहीं रुकनी चाहिए बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, वेरी गुड, डायवर्सिटी फैक्टर, नमन सिंह बिल्कुल सही है, डायवर्सिटी फैक्टर, और चौथा तो यूटिलाइजेशन है ही, तो देखिए आप लोगों ने लगभग सब कुछ रिवाइज कर लिया। इसमें एक प्लांट लोड फैक्टर है, प्लांट लोड फैक्टर भी पता होना चाहिए। अब ये क्या होता है? पी एवरेज अपॉन पी मैक्स, प्लांट कैपेसिटी में बस यहाँ मैक्स के जगह कैपेसिटी आ जाता है, ठीक है, क्लियर है ना ये। और एक रिजर्व कैपेसिटी होता है, रिजर्व कैपेसिटी कैलकुलेट करने को भी आता है बच्चों, रिजर्व कैपेसिटी कैलकुलेट करने को भी आता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? प्लांट लोड फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, इसको तो -1 कर देना और पी मैक्स से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, यही है रिजर्व, यही है तुम्हारा रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है। रिजर्व कैपेसिटी मतलब होता है प्लांट की कैपेसिटी माइनस पी मैक्स, तो उसी का शॉर्ट मैंने बताया है, अगर प्लांट लोड फैक्टर दिया हुआ है, प्लांट का प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है, तो दोनों का रेशियो निकाल के -1 कर देना और पी मैक्स से मल्टीप्लाई कर देना, डेफिनेटली डायरेक्ट रिजर्व कैपेसिटी आ जाएगा। बार बार एसएससी जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। चलिए जितने ही बच्चे लाइव हैं जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, वेटिंग इन द चैट सेक्शन बच्चों, जवाब दीजिए आप लोग। एक का कहना, अंकित रॉय का कहना है डी, नागर का कहना है ए, सोनू मैंने पहले ही बोला आंसर कोई नहीं लिखेगा, ऑप्शन नंबर बताना है, यस खुशी वेरी गुड इवनिंग, काफी जल्दी आ गए तुम लोग। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का जितने ही बच्चे लाइव हैं, बोर्ड्स ऑन विच वेरियस कंट्रोल एसेसरीज लाइक एनर्जी मीटर आयरन क्लैट स्विचेस फ्यूजेस एक्सेट्रा आर हाउस्ड आर कॉल्ड बोर्ड्स आर कॉल्ड डैश बोर्ड्स, कौन सा बोर्ड कहते हैं बच्चों उसको हम लोग?
वेरियस ऐसे सीरीज, देखिए वेरियस ऐसे सीरीज डेफिनेटली कहाँ लगे रहते हैं बच्चों, मीटर वगैरह जिस पे लगा रहता है, जो एक मेन हमारा जो होता है, जो अगर आपके बिल्डिंग में 3-4 फ्लोर हैं तो डेफिनेटली कहीं पर एक ऐसा होगा जहां पे सारे मीटर्स एक साथ लगे रहते हैं, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। ये होता है बच्चों कंट्रोल पैनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, पैनल, पैनल कहते हैं। इसी पैनल पे सेवरल मीटर्स, फ्यूजेस, एमसीबी सब कुछ लगा रहता है बच्चों, ठीक है, ये देखा होगा आप लोगों ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है पैनल, ठीक है, बिल्कुल बच्चों। एसएससी, ये एसएससी जेई में तो नहीं देखा मैंने, लेकिन यूपीपीसीएल जेई का तो पेपर है ही, 2019 में ही पूछा गया है, तो डेफिनेटली ये ऐसे क्वेश्चंस के रिपीट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं बच्चों, लेकिन सही तो वही होगा ना जो लॉजिकल हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए। कांस्टेंट लॉसेस सिंगल वॉइड डेफिनेटली कंट्रोल सिस्टम पे होगा। तुम बिल्कुल, अब देखो 10 बार तुम उसी चीज को रिपीट कर रहे हो, मैं बोल दिया एक ही बार मैं पढ़ लेता हूं बच्चों। चलिए जवाब दीजिए बाकी बच्चे, बिल्कुल होगा कंट्रोल सिस्टम पे। आज आज का मेरा 7 बजे का क्लास मत छोड़ना, आज मैं पूरा शेड्यूल बताऊंगा तुम लोगों का, मार्च में जितने दिन भी बचे हैं, 31 मार्च तक क्या क्या कंप्लीट कर लेना है हम लोग को। हॉलीडे भी है बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं भटकेंगे, मोटिवेट रहेंगे। हर एक दिन का मैं शेड्यूल बताऊंगा तुम लोगों का, ठीक है, अब वैसे काम चलेगा, ठीक है। स्वाइन बर्न टेस्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चों। कांस्टेंट लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस मतलब किसकी बात कर रहा है ये, आयरन लॉसेस की बात कर रहा है, आयरन लॉसेस की बात कर रहा है, ठीक है, आयरन लॉसेस की बात कर रहा है। ये किससे मेजर, बिल्कुल स्वाइन बर्न टेस्ट से, बिल्कुल सही है, स्वाइन बर्न टेस्ट से आयरन लॉसेस निकाला जाता है। और वेरिएबल किससे निकालते हैं हम लोग बच्चों, जितने बच्चे लाइव हैं, डीसी मोटर का या डीसी मशीन का वेरिएबल लॉस हम लोग किससे निकालते हैं, एनीवन, लोड से निकालते हैं, रिटार्डेशन से निकालते हैं, या होपकिंसन से, जवाब दीजिए जितने ही बच्चे लाइव हैं। यस आशुतोष, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा, लाइक करिए आप लोग सेशन को और शेयर करिए बच्चों, अभी तक सेंचुरी भी नहीं हुआ हम लोग का, वेरी गुड। होप किंसन से वेरिएबल, देखो मैंने मेरा यूट्यूब पे लेक्चर देख लेना, लॉसेस पूरे डीसी मशीन में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो तुम लोग बिल्कुल देख सकते हो। वेरिएबल लॉसेस मतलब आई स्क्वेयर आर की बात कर रहा है, ठीक है, वेरिएबल में जनरली यही होता है, बाकी स्ट्रे वगैरह तो कॉन्स्टेंट में ही कंसिडर करते हैं। नहीं, जरूर अभी बाकी है उसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जवाब दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का जितने भी बच्चे लाइव हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरा प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने मशीन के बारे में बताया है, पावर सिस्टम के, आप लोग उसको देखें। और ऐप पे तो स्पेशल क्लासेस जो फ्री वाले हैं उसको डेफिनेटली देखें, जो भी एमसीक्यूज करा रहा हूं मैं, काफी फायदेमंद है ये एसएससी जेई और यूपीपीसीएल का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, एसएससी जेई और यूपीपीसीएल जेई दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सारे मैंने प्रीवियस ईयर करा रखे हैं इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज टॉपिक, क्लियर है। चलिए, यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है बहुत हाई हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस मतलब जाहिर सी बात है किससे मेजर होता है, मेगर से। और कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेगर से तो होता ही है, और किससे होता है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड से, लॉस ऑफ चार्ज मेथड से। और कोई मेथड जिसको पता है बच्चों हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, एनीवन, मेगर हो गया, लॉस ऑफ चार्ज मेथड हो गया, एनीवन एल्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ता हो। नहीं, ब्लास्टिक से मेजर नहीं करेंगे सिंगल, देखो मेजर तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन जो जिसके लिए बनाया गया है, जो एक स्टैंडर्ड है वही मेंटेन करेंगे ना, बताइए मुझे। यस, मेगा ओम में होते हैं, अनडाउटली मेगा ओम में होगा, क्योंकि भाई इंसुलेशन ही है तो इसका तो काम ही है अलग करना, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो डेफिनेटली चार्ज फ्लो कर जाएगा। यस, वेरी गुड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, आई वाज वेटिंग फॉर दिस, एक्सेलेंट, नैम नैम, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, मेगर मेथड, ठीक है। मेगर मेगर के बारे में कुछ बता दो, क्या इसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है, क्या इसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है,
सारे बच्चे बताएंगे क्या मेगर में डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है। एनीवन, मेगर से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो मुझे याद है मेरे दिमाग में, मैं चाह रहा हूं तुम लोग को पता चल जाए, जवाब दीजिए मुझे, क्या मेगर में डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है बच्चों? डिफ्लेक्शन टॉर्क नहीं होता इसमें, क्या होता है मेगर में ये बता दो मुझे। कॉइल से, कॉइल से क्या प्रोवाइड होता है? ठीक है, मेगर में जो कॉइल रहता है उससे क्या प्रोवाइड किया जाता है बताइए मुझे? क्या इसमें स्प्रिंग की जरूरत पड़ती है? नहीं, स्प्रिंग की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों, स्प्रिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। कंट्रोलिंग, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क की बात हो, यस, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, वो तो ठीक है, यस, नहीं स्प्रिंग, ये स्प्रिंग कंट्रोलिंग नहीं होता इसमें बच्चों। एनीवन, तुम लोगों ने इसका मतलब प्रीवियस ईयर बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। मेगर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है बच्चों, 100% क्वेश्चन पूछता है मेगर से, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये आप लोग का सब्जेक्ट है, ये आप लोग जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यस, स्प्रिंग के जगह कॉइल, यही बोल रहा था मैंने, मैंने स्प्रिंग यूज नहीं होता है, स्प्रिंग का काम इसमें कॉइल ही कर लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हैंड ड्रिवन जनरेटर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, लाइक्स बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए। यस, वही बोल रहा था, कंट्रोलिंग, लोग कहते हैं, लोग इस क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज रह कहते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क एब्सेंट है, कंट्रोलिंग टॉर्क एब्सेंट नहीं है, कंट्रोलिंग टॉर्क तो होता ही है, कंट्रोलिंग टॉर्क तो होता ही है मेगर में, लेकिन वो स्प्रिंग से प्रोवाइड नहीं होता है, स्प्रिंग से हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये कॉइल ही काफी है, ठीक है, कॉइल से ही हम लोग को कंट्रोलिंग टॉर्क मिल जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए इस क्वेश्चन का जवाब, द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इज टू, क्या करता है बच्चों? कलेक्ट डस्ट फ्रॉम फ्लू गैसेस, क्लीन टर्बाइन ब्लेड्स, नहीं, कलेक्ट डस्ट फ्रॉम डस्ट एट द एयर इनलेट, एयर एयर इनलेट पे नहीं, एयर इनलेट पे नहीं बच्चों, कहाँ पे? कलेक्ट डस्ट फ्रॉम फ्लू गैसेज, यस, फ्लू गैसेज से डस्ट को कलेक्ट करता है ताकि वो इन्वायरमेंट में ना जाए, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो आपके कार्बन पार्टिकल्स हैं या जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होगा, कार्बन वगैरह को ये सक कर लेता, और ये बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आपको चिमनी के आउटलेट पे लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारा एयर पॉल्यूट होने से बचे। बात आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, जितने ही बच्चे लाइव हैं ध्यान से पढ़िए, इसके चारों लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। एनीवन, जिसका सही जवाब है, बिल्कुल सही, काफी बच्चों का आ रहा है, काफी बच्चों का आ रहा है सी ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। एमएमएफ अराउंड एनी क्लोज पाथ इक्वल्स टू द करंट इनक्लोज बाय द पाथ, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये कौन सा लॉ है बच्चों? एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, एच डॉट डी एल, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेफिनेटली आई इनक्लोज आएगा, ये आई इनक्लोज जाएगा, यही है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेता है, या तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेता है, या आपसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली आपसे पूछ लेगा कि आता है या नहीं आता है। तो चलिए, कूलम्स लॉ ने तो कोई गलती की नहीं है, कूलम्स लॉ क्या होता है ये भी, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है बच्चों, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना, ये है ना कूलम्स लॉ। इसमें K की वैल्यू कितनी होती है? K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R,
अगर एयर के लिए देखा जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन न्यूटन पर मीटर। क्लियर है, जवाब दीजिए मुझे। गॉस लॉ क्या होता है बच्चों? एनीवन, गॉस लॉ जिस तरह आपने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मतलब ये करंट के लिए देखा, यहीं पर गॉस लॉ बताता है किसी क्लोज्ड पाथ में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी चार्ज पार्टिकल जो भी चार्जेज जिसमें रखे हुए हैं, इनके चलते जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ना, वो टोटल नेट चार्जेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये है तुम्हारा गॉस लॉ, ये है तुम्हारा गॉस लॉ बच्चों। क्लियर है, जो नेट फ्लक्स इससे जो प्रोड्यूस होगा वो तुम्हारा क्यू नेट, क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है, चार्ज से रिलेटेड। वेरी गुड, ये चार्ज से रिलेटेड है, और ये तो एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एस डॉट डी एल आई इनक्लोज है ही। बायोट सेवर्स लॉ क्या कहलाता है? एनीवन एनीवन बायोट सेवर्स लॉ, एनीवन बायोट सेवर्स लॉ, बायोट सेवर्स लॉ कोई है जो बता सकता है? बायोट सेवर्स लॉ, देखिए बच्चों आप लोगों को ये चीजें, ये सब 12th की चीजें हैं बच्चों। बायोट सेवर्स लॉ का कहना है कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट से, किसी करंट कैरिंग एलिमेंट का कोई आप लेंथ ले लो, ठीक है, इतना लेंथ ले लो, इसके चलते किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताता है, वो बताता है बायोट सेवर्स लॉ, ठीक है, वो बताता है बायोट सेवर्स लॉ। क्या होता है उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बायोट सेवर्स लॉ कैसे लिखते हैं हम लोग? म्यू नॉट अपॉन 4π, ठीक है, इंटू आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है, और यहां पर आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, ठीक है, यहां से एक आर आर कैंसिल होगा तो ये आर स्क्वायर, यही है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। देखो बच्चों फॉर्मूला तो तुमसे डायरेक्ट पूछ ही सकता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए या ना करवाए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है। क्लियर है, यस, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन ही आएगा, ठीक है, अगर इसको तोड़ोगे तुम तो देखो कैसे होता है, इसका अलग अलग फॉर्म दिखेगा। आई डी एल क्रॉस आर है तो जाहिर सी बात है आई डी एल आर साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा, और आर क्यूब है तो एक आर आर कैंसिल हो गया तो नीचे आर स्क्वायर बच गया, यही हो गया ना। अब म्यू, अगर म्यू नॉट की वैल्यू रख दोगे तो ऊपर 4π 4π कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁷ बच जाएगा। क्लियर है, बताइए मुझे, बिल्कुल 12th वाले दिनों में पहुंच गए बच्चों, हमेशा याद रखना ये एक वेक्टर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, जवाब दीजिए इसका। आई होप रिवाइज हुआ होगा चारों के चारों लॉ, चारों लॉ पूछता है बच्चों, बाय नेम बाय ऑब्जेक्टिव, जैसे पूछना है या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ ले कि एम्पियर सर्किट का लॉ क्या है, चार ऑप्शन, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए बच्चों। प्रीवियस ईयर में कम से कम मैंने 5 बार देखा है उसको। चलिए, डैश लॉस इज फाउंड फ्रॉम द ओपन सर्किट लॉस ऑन ए ट्रांसफॉर्मर, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग धुआं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे ना तो थोड़ा मुस्कुराएंगे और बोलेंगे मुस्कुराइए आप कहाँ हैं, आप अन अकेडमी पे हैं, ठीक है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को एकदम टिक करेंगे और एकदम बिल्कुल इस पे एकदम प्लस प्लस वन लेकर आएंगे, ठीक है। ये सब फ्री हिट है बच्चों, अगर इस पे आप आउट हो गए ना तो आउट नहीं भी होना था तो आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, और एग्जाम से आप आउट होंगे। डैश लॉस इज फाउंड फ्रॉम द ओपन सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, डैश लॉस, जाहिर सी बात है ओपन सर्किट से क्या निकलता है बच्चों? ओपन सर्किट से निकलता है तुम्हारा फिक्स्ड लॉस, फिक्स्ड बोलो या कॉन्स्टेंट लॉस, क्या निकलता है इससे? कॉन्स्टेंट लॉस। और वो क्या होता है ट्रांसफॉर्मर के लिए? ये होता है कोर लॉस, ये क्या होता है? कोर लॉस, ठीक है, कोर लॉस। इसके कोर लॉस में कौन कौन से लॉस आते हैं? हिस्टेरेसिस और एडी, हिस्टेरेसिस आते हैं और एडी आता है, इन दोनों को मिला के बनता है कोर लॉस। ये दोनों के दोनों कौन किस फॉर्म में होते हैं? ये कोर में होते हैं बच्चों, जाहिर सी बात है कोर लॉस है तो कोर में ही हो, किस फॉर्म में होते हैं? वॉट को लॉस करते हैं बच्चों, ये टोटली एक्टिव पावर को लूज करते हैं, किस फॉर्म में लूज करते हैं? हीट के फॉर्म में लूज करते हैं, कोर को गर्म करके ये लोग इनपुट पावर को कम करते हैं। क्लियर है, हिस्टेरेसिस और एडी, हिस्टेरेसिस किसके प्रोपोर्शनल होता है? हिस्टेरेसिस किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? पीएम एक्स बोलो, यहाँ 1.6 लिख लो, यहाँ एफ लिख लो। एडी किसके प्रोपोर्शनल होता है?
ये बी एम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर और थिकनेस भी लिख लेना यहाँ पर, क्लियर है ये बात। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब है कोर, कोर बच्चों। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। क्या बात है धर्मेंद्र मौर्य ऑफिशियल, जितने भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं 7 PM का क्लास मत छोड़ना, मैं SSC JEE के लिए टारगेट सेट कर रहा हूँ, ठीक है। SSC JEE और UPPCL JEE के लिए, क्या हमारा कल के दिन से, जस्ट कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा टारगेट बच्चों। सारे बच्चे जितने भी हैं फॉलो करेंगे मेरे को, ठीक है। एकदम स्ट्रैटेजी क्या अपनाना है, क्या रोड मैप होगा हम लोग का आने वाले 30 दिनों में, ठीक है। मैं पूरा शेड्यूल बताऊंगा और तुम लोग उसी शेड्यूल पे चलोगे, ठीक है। जिसे इच्छा है चलेंगे, बाकी अपनी मर्जी है। कौन गाली दे रहा है, फालतू की बातें कोई नहीं करेगा यहां पर। जिसे पढ़ना है पढ़े, जिसे नहीं पढ़ना है वो जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल डिसिप्लिन को आप लोग मेंटेन रखिए, ठीक है। बीइंग ए ग्रेजुएट इतना दिमाग तो होना ही चाहिए, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट तो है ही, क्यों बच्चों। चलिए बिल्कुल सही बात है, आर्मेचर ऑफ अ डीसी मशीन इज लैमिनेटेड इन रेड, लैमिनेटेड टू रिड्यूस, बिल्कुल सही बात है, एडी करंट लॉस। देखो कहीं भी अगर लैमिनेशन आया ना तो ये एडी करंट को ही प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग से आना चाहिए कि एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस तो एसी के लिए है, लेकिन ये तो हमारा डीसी मशीन है। सर डीसी मशीन में तो डीसी होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, तो एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आपके दिमाग में आएगा। और जैसे ही दिमाग में आएगा आपको पानी लेकर उसमें डूब जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए ना। अगर हम लोग रिविजन के टाइम में ऐसे डाउट्स रखेंगे, ठीक है, अगर रिविजन के टाइम में ऐसे डाउट्स रखेंगे तो बहुत कठिनाई होगा हम लोगों को। आ रहा है बात समझ में, बताइए मुझे क्यों यहाँ पे एडी करंट हो रहा है, एडी करंट लॉसेस क्यों हो रहा है डीसी मशीन में, एनीवन। डीसी मशीन के बावजूद यहाँ पर क्यों हो रहा है, डीसी मशीन में तो फ्रीक्वेंसी जीरो है ना बच्चों, डीसी से डील कर रहा है हमारा मशीन, फिर क्यों लैमिनेट करने की जरूरत पड़ रही है आर्मेचर को, एनीवन, ठीक है, आर्मेचर कोर को क्यों लैमिनेट करने की जरूरत पड़ रही है, नमन, एनीवन। मशीन तो डीसी था ना, मशीन स्काडा वाला क्लास आज ही कर देंगे शुभम, डोंट टेक टेंशन बच्चा। कोर में एसी पावर, वेरी गुड, कोर में एसी पावर, कोर में नहीं, कोर में नहीं, कोर में एसी पावर नहीं, एसी जेन, वेरी गुड। देखो आर्मेचर की कहीं का भी आर्मेचर वाइंडिंग हो, याद रखना, चाहे डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो, कभी भी आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है ना, जहां जो एक्चुअल लोड करंट को कैरी करता है या जहां वोल्टेज इंड्यूस होता है, जो बोलना चाहो इसका जो भी डेफिनेशन है तुम्हें, आर्मेचर वाइंडिंग चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो, हमेशा याद रखना ये एसी से ही डील करता है, आर्मेचर वाइंडिंग ऑलवेज डील्स विद एसी। तो जाहिर सी बात है डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग कहां रखते हैं, एवरीवन जितने ही बच्चे लाइव हैं अटेंडेंस लगा दो और जवाब दो मेरे बात का, कहां लगाते हैं हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग, कहां होती है डीसी मशीन में, एनीवन, एनीवन। जवाब दीजिए मुझे, वेरी गुड, रोटर, रोटर पे कंपलसरी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, रोटर पे ही रखना पड़ेगा हमको आर्मेचर वाइंडिंग। क्यों क्यों रखना पड़ेगा, कौन से प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए, कम्यूटेशन को, कौन से प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए, कम्यूटेशन को, कम्यूटेशन को कंप्लीट कराने के लिए हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखते हैं। वही हमारे सिंक्रोनस मशीन में कहां रखते हैं, ऑप्शन तो दोनों है लेकिन इकोनॉमिकल कहां होता है, और 90% टाइम में हम लोग कहां रखते हैं, आर्मेचर को स्टेटर पे रखते हैं। ये पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, ये पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मशीन कोई भी हो, एसी या डीसी हो, इंड्यूस एसी ही होता है, एसी से ही डील करता है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो याद रखना, तो आर्मेचर वाइंडिंग तुम रोटर पे रखे हो तो डेफिनेटली रोटर को तुमको, रोटर के कोर को लैमिनेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एसी इंड्यूस हुआ है या एसी डील कर रहा है, रोटर पे है एसी, तो डेफिनेटली उसका फ्रीक्वेंसी भी होगा, और फ्रीक्वेंसी होगा तो डेफिनेटली तुम्हारे कोर लॉसेज आएंगे ही, इसीलिए कोर को लैमिनेट करने की जरूरत रहती है, इसीलिए हम लोग एडी करंट लॉस से बचाने के लिए आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज लैमिनेटेड। क्लियर है ये बात, आई होप ये डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए हों। रंजीत का कहना है सर जितना एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहे हैं इससे हमारे पास वर्ड नहीं है, पास वर्ड नहीं है, आपको क्या, कुछ मत दो रंजीत, सारे बच्चे बस
बने रहो, और मैं बता रहा हूँ शाम का सेशन शेड्यूल सेट करूंगा, फिर ये मत बोलना कि फिर से बता दीजिए, ये बता, जितने भी बच्चे आएंगे उनको बिल्कुल एकदम रोड मैप क्या करना है वो करना है, वो तो सब बता देते हैं, मैं करवाऊंगा और साथ साथ सारे बच्चे फॉलो करेंगे, चाहे आपका SSC JEE टारगेट हो अभी 1 महीने बाद, चाहे UPPCL JEE, 30 दिन का पूरा रोड मैप तैयार करेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्या करना कब करना, सारे बच्चे वही टाइम फॉलो करेंगे, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, जवाब दीजिए, जितने ही बच्चे लाइव हैं जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे पार्टी नहीं, सिलेक्शन ही बहुत बड़ी बात है, अन एकेडमी को बस आपके सिलेक्शन से मतलब है बच्चों, ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। सर फील्ड शॉर्ट और एक्साइट बताइए, मतलब शॉर्ट और एक्साइट बताया तो है मैंने सिंक्रोनस मशीन के लेक्चर्स में, देखो जाकर, प्रैक्टिस और 10 बार रिपीट करो सेम क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे है आप लोगों के, और लाइक्स नहीं रुकने चाहिए, जल्दी से सेंचुरी करिए ताकि मैं बैट दिखाऊं आप लोगों को, ठीक है। धर्मेंद्र का कहना है ए, द मोस्ट एफिशियंट, एफिशियंट ये किस तौर पे बोल रहा है बच्चों, मतलब एफिशियंट ये किस सेंस में बोल रहा है, एफिशियंसी के मतलब आउटपुट के वजह से बोल रहा है, एफिशियंसी के वजह से बोल रहा है, या इनपुट के वजह से बोल रहा है, किसके वजह से बोल रहा है बताइए मुझे, ये किसके वजह से बोल रहा है एफिशियंट का, इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे बोल रहा है, कौन सा प्लांट सबसे ज्यादा एफिशियंट है बताइए मुझे। वेरी गुड नमन, एफिशियंसी के वजह से, वेरी गुड, प्लांट जिसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आउटपुट बाय इनपुट है, आउटपुट बाय इनपुट, अगर इसका रेशियो ज्यादा है, अगर इसका परसेंटेज ज्यादा है मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है, और अगर एफिशिएंसी ज्यादा मतलब कम इनपुट के लिए, डिनोमिनेटर कम के लिए भी आउटपुट हमें मिल रहा है ना बच्चों, तो डेफिनेटली इसमें हाइड्रो तो जीत ही जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि बच्चों क्या है ये, इसमें फ्यूल क्या यूज करते हैं, पावर प्लांट लगाने वालों को सबसे ज्यादा टेंशन किसकी होती है, प्लांट तो चलो बना लेंगे, करोड़ों रुपया है सरकार का बना लेंगे हम लोग, लेकिन वो मेंटेन, चलो मेंटेनेंस भी कर लेंगे, फ्यूल कहाँ से आएगा, फ्यूल कहाँ से आएगा, तो फ्यूल यूज क्या कर रहे हैं, तो देखो हाइड्रो में क्या यूज करते हैं, हाइड्रो में वाटर यूज करते हैं बच्चों, वाटर क्या है, वाटर का कॉस्ट क्या है, इट्स फ्री, नथिंग इज चीपर देन गेटिंग इट फ्री, अब फ्री से चीपर और क्या हो सकता है बच्चों, सिर्फ आपको जो भगवान का जो गिफ्ट है नेचुरल जो है, रिवर पे आपको डैम बनाना, वो भी एक तरह से इलीगली है, डैम बनाने से भी बच्चों हमारे जो नेचुरल जो उसका फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, अर्थक्वेक वगैरह की प्रोबेबिलिटी बनती है जैसा साइंटिस्ट कहते हैं, तो वो भी दिक्कत ही है, लेकिन फिर भी हम लोग डैम बनाते हैं, कम से कम पोल्यूशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे डाइवर्सिटी हमारा अफेक्ट होता है बच्चों, ठीक है। सुंदर लाल बहुगुना का जो मोमेंट था जब तेहरी डैम बन रहा था ना, तो वो उसी समय फोकस पे आए थे, और जितने गांव वगैरह हटाए गए थे ना, जाहिर सी बात है डैम बनाते हैं तो उसके नीचे वाले जो विलेजेस हैं उनके लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, तो ये काफी दुख वाली बात है, लेकिन ये भी जरूरी है, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में फ्यूल वाटर यूज हो रहा है जो कि फ्री है, जो कि फ्री है, इसीलिए इसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है बच्चों, इसमें कोई कोल ना ही कोई पॉल्यूशन है ना ही कोई कॉस्ट है, एक बार बस डैम को बनाने का वन टाइम कॉस्ट है, ठीक है, बस डैम को बनाने का वन टाइम कॉस्ट है, वो इतना ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद हम इसके पैसे को रिकवर करते हैं, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट सब जगह हम लोग बना नहीं सकते हैं, ये भी बात है बच्चों, हाइड्रो पावर प्लांट बना नहीं सकते हैं, मतलब ये शहर से दूर होता है, ये बात तुम लोग को पता है, माउंटेन्स माउंटेन्स या हिली एरियाज में होता है, ठीक है, इसका देखो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, अब वहां से पावर लाने के लिए मतलब रेसिडेंशियल मतलब हमारे यूज के लिए लाने के लिए ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ता है, बात को समझो, ये नॉर्थ ईस्ट में होगा या कहीं माउंटेन पे होगा, वहां से हमारे शहर में लाने के लिए जाहिर सी बात है ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ता है, तो एक एडवांटेज है तो दूसरा डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन उतना ज्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ जाता है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा जितना थर्मल का डिसएडवांटेज है, थर्मल वगैरह को क्या है, इसको हर समय कोल चाहिए चाहिए ना, और 50 साल से ज्यादा का कोल बचा नहीं है हमारे पास, ये बात तुम लोग को पता होना चाहिए, ये बात तुम लोग को पता चलना चाहिए, ये बात समझ में आ रहा है, लेकिन कोल देखो सबसे ज्यादा 55 to 60% जो पावर अभी जनरेट हो रहा है वो कोल से ही जनरेट हो रहा है,
क्योंकि ये हमारे शहर के बीचों बीच भी हो सकता है बच्चों, अगर इसको लैंड मिला हुआ है तो डेफिनेटली हमारे शहर के बीचों बीच भी हो सकता है। इसको क्या चाहिए, इसके प्लांट को कोल एज अ फ्यूल चाहिए, बाकी ये सब कुछ कर लेता है ठीक है। और इसको जितना पावर बनाने बोलोगे उतना बना देगा। जब कौन सा रोटर यूज होता है बच्चों, एनटीपीसी या थर्मल पावर प्लांट जो भी बोलो, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, इसमें कौन सा रोटर यूज होता है, जवाब दीजिए मुझे। जितने भी बच्चे लाइव हैं, जितने भी बच्चे लाइव हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स मतलब थर्मल पावर प्लांट्स में कौन सा रोटर यूज होता है? तुम लोग आपस में लगे रहते हो क्या, मतलब पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। काफी यहाँ पर इम्प्योरिटीज बढ़ गई है ठीक है, घटाना पड़ेगा मेरे को। बिल्कुल सिलेंड्रिकल दीप, इसके बाद 2018 कहीं करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करो, सारे पेपर डिस्कस करूंगा, जब बोल दिया तो बोल दिया। बिल्कुल सिलेंड्रिकल रोटर यूज करते हैं क्योंकि हाई स्पीड ऑल्टरनेटर चाहिए। एनटीपीसी जो पावर जनरेट करते हैं स्टीम से, हाई प्रेशर जनरेट कर लेते हैं ठीक है। हाइड्रो में हम लोग के पास लिमिटेशन था ना कि वाटर का हाइट उतना नहीं है, वाटर का हेड उतना नहीं है कि हमारा टरबाइन उतने स्पीड पे घूम सके, इसीलिए वहां पे हम लोग साइलेंट यूज करते थे और नंबर ऑफ पोल्स को ज्यादा रखते थे ताकि स्पीड कम में भी हमको सिंक्रोनस फ्रिक्वेंसी मिल जाए या सिंक्रोनस स्पीड पे हमको रेटेड फ्रीक्वेंसी मिल जाए। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 3000 RPM का ऑप्शन है, तो जब 3000 RPM है तो जाहिर सी बात है चलो नंबर ऑफ पोल्स को 2 कर लो, नंबर ऑफ पोल्स को 2 कर लो और हाई स्पीड से हम लोग थर्मल पावर प्लांट में 50 Hz जनरेट करा, और इसका पावर आउटपुट भी ज्यादा होता है ठीक है। इसका पावर आउटपुट भी ज्यादा होता है बच्चों, आपको पता रहना चाहिए। जितने भी हाईएस्ट थर्मल पावर प्लांट है देखो सबसे ज्यादा बिजली यही कंट्रीब्यूट करते हैं और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भी करते हैं। जाहिर सी बात है कोल को कितना भी तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दो, कोल हैंडलिंग या उससे एनवायरनमेंट को नुकसान होना ही होना, ये बात बिल्कुल तय है। इसीलिए हम लोग आजकल ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच करने का कोशिश कर रहे हैं बच्चों, लेकिन वो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, अभी बहुत टाइम लगेगा। बट वी आर ऑन द वे ठीक है। हमारे यहाँ नेशनल सोलर अलायंस भी बना बन चुका है, वो इंडिया उसका मेंबर है और उसका हेडक्वार्टर भी है बच्चों गुरुग्राम में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है, गुरुग्राम में ए हेडक्वार्टर है नेशनल सोलर अलायंस। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, जवाब दीजिए। जितने बच्चे लाइव, लाइक्स नहीं रुकने चाहिए बच्चों, सारे बच्चे जो देख रहे हैं लाइक करो शेयर करो। अरे आपस में तुम लोग सिंगल बॉय वगैरह खुद से मत लगे रहो ठीक है, यहाँ पे जवाब दो। रोशनी फालतू की बातें मत करो यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 65 नहीं अप टू 60 है रंजीत ठीक है। जितने बच्चे लाइव हैं लाइक्स नहीं रुकने चाहिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अटेंडेंस सबका लगना चाहिए और 7 PM का क्लास कोई नहीं छोड़ेगा यूट्यूब पे, सारे बच्चे आएंगे। आज यहाँ पे हम लोग रोड मैप डिस्कस करेंगे बच्चों, क्या क्या करना है हम लोगों को ठीक है, रोड मैप डिस्कस होगा। चलिए जवाब दीजिए, बिल्कुल सही, हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट, वेरी गुड, द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट। कहाँ है बच्चों, एनीवन कहाँ है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में, वेस्ट में, एनीवन? बिल्कुल देखो बच्चों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, डेफिनेटली तुमसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल इलेक्ट्रिकल के बच्चों को तो याद होना ही चाहिए, एक ये याद होना चाहिए, और सबसे ज्यादा पावर अभी कौन सा पावर प्लांट बना रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा एनटीपीसी बना रहा है बच्चों, सिंगरौली का जो विंध्याचल में है ठीक है, सिंगरौली, सिंगरौली एक साथ कितना मेगावाट बनाता है बच्चों, ये 4786 कुछ इसी तरह का मेगावाट है, तुम लोग देख लेना एग्जैक्ट ठीक है। कहाँ है हुसैन सागर, कहाँ है बच्चों, आंध्र, आंध्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यस वेरी गुड, तेलंगाना, हैदराबाद, हैदराबाद बोलो बच्चों इसको ठीक है, हैदराबाद ठीक है, वेरी गुड, साउथ में है, सारे बच्चों का सही है। चलिए 4786 सिंगरौली, ये हाईएस्ट थर्मल पावर प्लांट, एक साथ लगभग 5000 MW प्रोड्यूस करता है बच्चों एनटीपीसी ठीक है। सिंगरौली में जो है तुम देखोगे वहां पे हवा में तुम्हें ऐसे ही दिख जाएगा डस्ट, इतना ज्यादा डस्ट का क्वांटिटी हो गया वहां पे। क्या बात है प्रत्युष, वेरी गुड, चलिए जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सॉरी अब इसके आई थिंक क्वेश्चन का पीडीएफ अब आ नहीं पाया, ठीक है कोई नहीं, यहीं तक रहने देते हैं। अब क्या करना है आप लोगों को, जितना भी पढ़ाए हैं उसका उसको आप लोग रिवाइज करेंगे ठीक है, और स्पेशल क्लास मेरा 8 बजे से है,
8 AM से। जो बच्चे नहीं देखे आज का क्लास डेफिनेटली देखना, यहाँ पे मैंने फॉल्ट के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है, फॉल्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो UPPCL JEE और SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने उसको परफेक्टली एकदम रिवाइज ही करवा दिया है, फॉर्मूला वगैरह भी बताकर, ठीक है। और बाकी 7 PM पे मिलते हैं बच्चों आप लोगों से यूट्यूब सेशन के लिए, यहाँ पे हम लोग परफेक्ट रूटीन बनाएंगे पूरे महीने का, करना क्या है, कैसे रिवाइज करना है, ठीक है, यूट्यूब पे। बाकी कल कल सुबह फिर आ जाइएगा आप लोग स्पेशल क्लास पे, ठीक है। बाकी कल का रूटीन वैसे भी रात में आप लोगों को क्लियर कर देंगे, अब दोनों का, आज का और कल का अभिषेक एक ही साथ मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, ठीक है। लाइक करिए आप लोग इस सेशन को और शेयर करिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ बताइए, जो भी है, जिन बच्चों को भी कोई भी डाउट है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या कोई भी अकेडमिक से रिलेटेड, अनअकैडमी का कोई भी डाउट है, आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो थर्ड लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जो थर्ड लिंक है उससे फॉलो कर लीजिए मुझे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिए मुझे, और डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्या बात है प्रतीक्षा राठौर, थैंक यू सो मच। आज ही होगा शुभम, आज ही होगा, रोड मैप बना लेंगे ना, रोड एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा, विजन क्लियर हो जाएगा एक महीने के लिए, उसके बाद PLC स्काडा को ही कंप्लीट करना है, ठीक है। 7 PM कोई नहीं भूलोगे, अलार्म लगा लो सारे बच्चे, 7 PM लाइव आना, ठीक है। क्या बात है, थैंक्स रंजीत, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं बच्चों आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर।